ले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी सेगेडालू का रेसिपी। ये मेरी होम टाउन बरमपुर का स्पेशल स्नैक से, तो चलिए बनाते हैं। तो इसीलिए मैं ली हूँ चावल का आटा एक कटोरी। तो देखिए दोस्तों, मैं ये चावल का आटा को घर में ही बनाई थी। तो अगर हमको चावल का आटा एक कटोरी लें तो हम दो कटोरी पानी चाहिए, क्योंकि हम जितना चावल का आटा लेंगे उससे दो गुना पानी लेंगे। और इधर मैंने 3 चम्मच सूजी ली हूँ, आप इसके जगह रवा भी ले सकते हो। और इधर मैं ली हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर भी मैं ली हूँ 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, और नमक मैं ली हूँ स्वाद के अनुसार, और हींग ली हूँ मैंने 1/2 चम्मच। और इसके बाद मैं ली हूँ चना, मतलब चना दाल जो ली हूँ मैं 2 चम्मच, और मूंग दाल भी 2 चम्मच, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जिसको मैंने छोटा छोटा काट के रखी हूँ, और 4 से 5 हरी मिर्ची। इसीलिए मैंने इसके हिसाब से मिर्ची पाउडर ली हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्ची पाउडर ज़्यादा ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने 2 कटोरी पानी लिया, और उसके अंदर चना दाल और उसमें मैं कटी हुई हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता को डाल दी। धनिया पत्ता हम बाद में डालेंगे, और इतना सारा मसाला है उसको भी मैंने डाल दिया और उबाल आने के लिए रख दिया। जब उसमें उबाल आ जाएगा तभी हम सूजी को थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। उसके बाद हम चावल के पाउडर को बीच में ही ऐसा डाल देंगे। देखिए, अभी मैं मूंग दाल डाली क्योंकि मूंग दाल जल्दी कुक हो जाते, इसीलिए मैंने लेट में ही डाला। और इधर मैंने थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया, और अभी हम उसको लो मीडियम में ही 15 से 20 मिनट के लिए उसको पकाएंगे। देखिए, तो अभी हमारा ये भी पक चुका है, तो मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। और अभी हम थोड़ा उसको अच्छे से मिला लेंगे, अभी बहुत गर्म है तो उसको हम अच्छे से मिला के उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक थाली में निकल के। तो देखिए, थाली में मैं निकल के उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी ये ठंडा हो गया, तो मैं थोड़ा हाथों में तेल लगा के उसको हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे। पानी यूज नहीं करेंगे, हाथों में थोड़ा तेल लगा के ही उसका डो हम बना लेंगे, और उसको अच्छे से ऐसे मसलते मसलते एक स्मूथ सा डो बना देंगे। तो अभी मैं तेल भी गर्म होने के लिए रखी थी, वो भी गर्म हो गया। और इससे हम क्या करेंगे, छोटा छोटा लुई बनाएंगे, और थोड़ा सा तिल के अंदर उसको हम ऐसे थोड़ा सा लगा के उसको हम ऐसे हाथों में रोल जैसा बनाएंगे, और उसको एक सर्कल बना के उसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये ना छूटे। ध्यान रहे कि ये अच्छे से हमारा चिपकना चाहिए। तो देखिए, और मैं ये अभी एक मीडियम साइज का भी बनाई हूँ, आप चाहे तो और भी छोटा भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको रोल को जितना पतला करके भी आप बनाओगे ना, आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और देखिए, थोड़ा मोटा रहने से क्या होता है ना, अंदर से नरम रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी रहेगा, वो भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, तो दोस्तों मैंने मीडियम हाई पे ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को पूरा लो पे रख के सेगेडालू को 3 से 4 मिनट के लिए लो पे ही मैंने पका दिया। और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई किया ताकि जब सेगेडालू निकलते ना तभी अच्छे से सारा तेल छूट जाए। वैसे भी आप जितना तेल यूज किए ना वैसे की वैसा तेल रहेगा, पर आपका सारा सेगेडालू बन के भी रेडी हो जाएगा, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ये रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।